और जिसमें लगभग 4-5 जो मकान है वो मिट्टी में धस चुके हैं, और साथ में जो 2-3 गाड़ियां हैं वो भी मलबे के साथ नीचे जा चुकी है। और जहां तक इस ज़मीन का सवाल है, ऊपर टॉप तक की जो ज़मीन है उसमें दरारें आ गई है, आसपास के जो घर हैं उनमें भी दरारें आ गई है कि कम से कम 800 मीटर ऊपर जाकर जो है ऊपर से मिट्टी आई और सारा अपने साथ लेकर 2 गाड़ियां, एक और नैनो, वो भागे नीचे। मतलब जो है रोड भी टूट गया है और कम से कम रोड से भी कोई 100-200 मीटर नीचे चले गई है। पूरी ज़मीनें आदमियों और सभी परिवारों की, पूरा ही सब कुछ तबाह हो चुका है। ये पंचायत निहारखंड बासला का ये जो आज का दृश्य है, और साथ लगती पंचायत नमहोल में दक्षेश गांव का ये आप देख सकते हैं। लोगों की फसल, लोगों की ज़मीनें और रास्ते, गाड़ियाँ, पशुशाला सब पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा स्लाइड हुआ है नीचे। बिलासपुर शिमला का हाईवे मेन मार्ग जो है पूरी तरह बंद है, लगभग जिसे 2 दिन से भी अधिक समय खोलने के लिए लगेगा। लोगों के घर पूरी तरह इसमें धस चुके हैं, पशुशाला और उसमें पशु थे वो भी, और गाड़ियाँ, बड़ा एक ट्राला है उसमें 12 चक्की 6 चक्की सभी गाड़ियाँ। फिर भी सबसे बड़ी गल है कि कोई वो नुकसान जानवर। सभी मकान खाली कर दिए गए हैं प्रशासन की तरफ से, और इन्हें किसी उचित स्थान पे, सुरक्षित स्थान पे रहने के लिए दिया गया है। लोग नए ही अपने मकान खाली करके चले गए हैं यहाँ से। ये देखिए बड़ी ही मेहनत से ये घर लोग बना रहे थे, और स्लाइड होने के कारण अगर हम ट्रेंच खोद के मतलब नॉर्मल अभी करते हैं, फिर कल कितना अगर धूप पड़ता है फिर सेट होता है तो कहीं नहीं जाते। बाकी आप लोग देख लो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से मैं रुकूंगा भी नहीं आपको कि आप अपना काम बंद करें, क्योंकि रोड तो खोलना है। ये भी नहीं बोलूंगा कि आप, लेकिन ये चीज़ अगर पूरा पहाड़ कहीं नीचे आएगा या बैठा हुआ नीचे, ये चीज़ तो आपने देखा, ये काम तो आपका है क्योंकि इंजीनियर आपके पास है। मैं तो सिर्फ ये नीचे वाली साइड देख सकता हूँ और लैंड बता सकता हूँ कि किसकी लैंड। नैंडे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत नमोल के गांव दक्षेश में बड़ी दुखद घटना घटी है, और भारी लैंडस्लाइड यहां जो मुख्य रास्ता है जो शिमला की ओर जाता है उसमें भारी क्षतिग्रस्त रास्ता हुआ, और काफ़ी उसमें मकानों को भी नुकसान पहुंचा है, और कुछ गाड़ियां जो है वो मलबे के साथ बह गई हैं, साथ में गौशाला भी ढह गई है जो उसमें बेजुबान जानवर थे वो भी मलबे में दब गए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है सुबह ही। और राहत के लिए प्रशासन सजग है, बिल्कुल सरकार भी सजग है, तुरंत जो है फौरन प्रशासन, पुलिस विभाग और प्रशासन, एसडीएम साहब और बाकी तहसीलदार साहब मौके पर आए। तो जहाँ जहाँ बाकी लोगों के घरों को खतरा था वहाँ लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट करवा के कहीं और जो है वहाँ रखा गया, ताकि और आने वाले वक्त में नुकसान न पहुँचे। राहत कार्य लगातार जारी है, और आगे भी सरकार जो है वो अगर ऐसा कुछ कहीं भी होता है तो बिल्कुल सजग है। बस एहतियात बरतने की ज़रूरत है, और जो भी इन पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए करने को सरकार करेगी, और ताकि आने वाले वक्त में लोगों को राहत मिल सके।
गांव ब्लॉक ग्राम चारनियार के पास का निवासी हूँ। हमें सुबह ही पता लगा कि जो हमारे यहाँ पे एनएच शिमला उस पर बिलासपुरिया मंडी रोड पे जो हमारे कुछ मकान थे श्यामलाल रामपाल और एक और है जो मलबे में दब गए हैं, साथ में इतनी बड़ी लैंडस्लाइडिंग हुई है कि कम से कम 800 मीटर ऊपर जाकर जो है ऊपर से मिट्टी आई और सारा अपने साथ लेकर दो गाड़ियां एक और नैनो वो भागे नीचे, मतलब जो है रोड भी टूट गया है और कम से कम रोड से भी कोई 100-200 मीटर नीचे चले गई है। इसके साथ साथ ही हमारे जो नम्बोल पंचायत के जो हमारे 8-10 परिवार हैं जो जिनको मकानों में खतरा बना हुआ है, सुबह वहाँ प्रशासन आया और कुछ लोगों स्थानीय पंचायत के प्रतिनिधि सारे लोग सहयोग करके और प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार और माननीय हमारे श्री रामलाल ठाकुर जी जिनको पता लगा वो भी मौके पे आए हैं और उन्होंने तुरंत मतलब जो प्रशासन को आदेश देके इस जो आपदा आई है उसमें सहयोग करने का आदेश दिया है। साथ ही अब भविष्य में जो भी करने का होगा उन्होंने उसके लिए भी मतलब जो है सरकार की तरफ से और अपनी तरफ से भी सारा मतलब जो है प्रशासन को ये सहायता करने के निर्देश दिए हैं और साथ में हमारी पंचायत के प्रधान और हमारे स्थानीय यहाँ पे कामधेनु की संस्था है उनके द्वारा भी काफ़ी हमारे यहाँ लोगों को सहयोग उनका सामान निकालने के लिए चाय पानी का और खाने की सारा हमारी यहाँ व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, हम भी चाहते हैं, हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि इस वक्त जितना भी लोगों की सहायता हो सके वो करने की वो क्या रिक्वेस्ट करें। धन्यवाद। मैं नरेंद्र ठाकुर निहारखंड वासला का उप प्रधान हूँ और स्थानीय हमारी ये पंचायत है। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 205 जो शिमला के लिए हाईवे है उसमें एक काफ़ी दुखद घटना हुई है और यहाँ पर बहुत बड़ा एक लैंड स्लाइडिंग हुआ और जिसमें लगभग 4-5 जो मकान है वो मिट्टी में धंस चुके हैं और साथ में जो 2-3 गाड़ियां हैं वो भी मलबे के साथ नीचे जा चुकी है। और जहां तक इस ज़मीन का सवाल है, ऊपर टॉप तक की जो ज़मीन है उसमें दरारें आ गई है, आसपास के जो घर हैं उनमें भी दरारें आ गई है और प्रशासन के माध्यम से सारे जो मकान हैं जिनको खतरा बना है उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया है और अभी तक जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसमें एक पशुशाला है जो इस मलबे में दब गई है जिसमें जो है 4-5 जो जानवर है वो दब चुके हैं। और जहाँ तक इस क्षेत्र की देखने की बात है वो ये है कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है लगभग 3-4 दिन तक तो अभी खुलने की संभावना नहीं है और अगर बारिश इस तरह से लगी रही तो यहाँ पे काफ़ी जो है ये खतरा बना हुआ।